लेकर आपकी चाय की तरह एकदम कड़क शो ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम। आज इंडिपेंडेंस डे है और हम बातें कर रहे हैं अपने समाज के उन रियल हीरोज की जो आज भी बापू के दिखाए हुए पथ पर चल रहे हैं और बदल रहे हैं हजारों जिंदगियां। वो चलते सीना तान गए वंदे मातरम। ऐसे ही एक रियल हीरो है झारखंड के एक छोटे से शहर जमशेदपुर के लकड़ा बाबा जो झारखंड के चीफ बॉक्सिंग कोच भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद भी लकड़ा बाबा ने हजारों बच्चों की जिंदगियां सवार दी। तो आइए देखते हैं क्या है उनकी कहानी। 2009 में लकड़ा बाबा टाटा स्टील से रिटायर किए पर उसने देखा यहाँ पे बिरसानगर में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नशाखोरी कर रहा है, लोफरगिरी कर रहा है, यहाँ वहाँ मारपीट कर रहा है, तो वह अपना फ्यूचर नहीं बना पा रहा है। तो लकड़ा बाबा ने सोचा है कि इन गरीब बच्चे लोग के फ्यूचर के बारे में वो सोचे और यहाँ पे एक बॉक्सिंग सेंटर खोले जिससे कि वो लोग एक आर्ट सीखे और किसी गवर्नमेंट सर्विस में या फिर कहीं और प्लेस हो। फिर ये BBC बना, वैसा बॉक्सिंग सेंटर जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्सिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ हम फीस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बिरसानगर में गरीबी बहुत ज़्यादा है और किसी के माँ बाप पंचर दुकान में काम कर रहा है, कोई ठेकेदारी में काम कर रहा है, कोई मोची दुकान में काम कर रहा है, तो वो पैसे नहीं पे कर पाएंगे। यही आप जो देख रहे हैं यही है वो BBC है। ये ओपन छोटा सा ग्राउंड है, ये स्कूल है जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे ये कॉरिडोर आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग पंचिंग वगैरह कराते हैं। साल में एक दो बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में प्लेस हो रहे हैं, जैसे कोई अभी रिसेंटली दो बच्चे मेरे नेवी में हुआ है, आर्मी में हुआ है, खेलो इंडिया में हमारे सेंटर से दो मेडल आया है यहाँ पर, एक गोल्ड एक सिल्वर। तो ओवरऑल जो हमारा जो मोटिव था यहाँ पर बेसा बॉक्सिंग सेंटर खोलने का वो हम अचीव कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो जिस गरीबी से जो बच्चे उठ के आ रहे थे यहाँ पे जो हमारा जो मोटिव था कि उन लोग को एक अच्छा लाइफ देना, तो अब जाके हमें ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कि हम जो यहाँ पर सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं वो एक जगह में आकर अचीव कर रहे हैं।